दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के जमरोड़ पंचायत में आया हुआ हूं। यहां हमारी मुलाकात हो रही है दिनारा व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और चार बार से हैं, इस बार भी वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जमरोड़ पंचायत से 5 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। एक समाज सेवी आदमी हैं, समाज में इनका नाम है, इनके पिताजी भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उन्हीं से जानना चाहते हैं अरवा उसना और गेहूं की जो खरीदारी है उसका क्या पोजीशन है, उसके बारे में भी जानना चाहें। सबसे पहले मैं बाबा दर्शन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो बिहार सरकार द्वारा जो हम लोगों को सरकारी मिल मिला है अरवा का, और उसीना कर दिया गया था कि उसीना चावल आप लोगों को देना है, तो उसमें इस न्यूज़ का अहम भूमिका रहा है कि हम लोगों को अरवा बाद में सरकार को बाध्य होकर करना पड़ा। और शुरुआत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रमेश चंद्र चौबे जो कि कोऑपरेटिव बैंक के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं और राज्य में ये इनका झंडा फहराना है। हम लोगों को मिलकर सभी जिला के लोग बहुत उत्साहित हैं कि बिहार राज्य के पुनः स्टेट के कोऑपरेटिव के अध्यक्ष बने। चौबे जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। फिर दूसरी बात है कि जहाँ तक धान और गेहूँ का सवाल है तो धान का तो चावल दिया जमा हो रहा है, लेकिन गेहूँ में 20 तारीख से गेहूँ का खरीदगी शुरू होने को है और किसान नहीं दे रहे हैं गेहूँ, क्योंकि सरकारी दर 2125 रुपया सरकारी समर्थन मूल्य है और 2125 रुपया 2200 रुपया किसान को मिल रहा है मार्केट में। जब तक बिहार सरकार बोनस का व्यवस्था नहीं करेगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किसानों को बोनस दिया जा रहा है और बिहार सरकार हमेशा बोनस देने में आनाकानी करती है, जिससे कि पैक्स एवं व्यापार मंडल गेहूँ नहीं खरीद पाएंगे। और मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार तुरंत बोनस देने पर विचार करे। और सवाल है कि मतलब गेहूँ हो या धान हो, सरकार दावा करती है, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो दावा करती है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, इससे कहाँ किसानों का कहाँ लाभ? किसानों को लाभ नहीं मिल पाने का प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा समय पर खरीदी न कर पाना, और यहाँ कुछ बोनस सरकार को देना चाहिए, किसानों को कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा जब बोनस मिलेगा तब, इसलिए मतलब किसान ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समय जब गेहूं सारा बिक गया है उस टाइम में आप कह रहे हैं कि गेहूं का खरीदी शुरू कीजिए, 20 तारीख का जो डेट निर्धारित किया गया है और उससे पहले किसानों का लगभग 90% गेहूं मार्केट में बिक चुका है, इसलिए किसान चाह कर भी अब गेहूं खरीदी में भाग नहीं ले पाएंगे। व्यापार मंडल के पद पर 4-4 बार से हैं, आखिर प्रभात जी की जड़ें कितनी मजबूत हैं? व्यापार मंडल पर मैं किसानों का हमेशा पैक्स का, मैं 5 बार जमरोड़ पैक्स का अध्यक्ष था और किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगातार सेवा करता हूँ। व्यापार मंडल के माध्यम से भी धान मैंने 20,000 क्विंटल खरीदी किया है और जिसका चावल मैं जमा दे रहा हूँ और किसानों को अच्छा सरकारी समर्थन मूल्य बढ़िया से पहुँचाता हूँ, इसके आधार पर किसानों में मैं जमकर रहता हूँ। जमरोड़ पंचायत के 5 बार पैक्स अध्यक्ष, जमरोड़ पंचायत के 5 बार लगातार मैं पैक्स अध्यक्ष रहा और किसानों को खाद बीज और धान का हमेशा खरीदी करता था। कुछ कारणवश मैंने 2013 में दूसरा कोई अध्यक्ष बन गए और उनका किसानों द्वारा उनका सेवा लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।